तो आज हम बात करने वाले हैं टोटच के बारे में, और इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा टोटल 6 टोटच, जिसके अंदर मैं सारे टोटच आपको करके दिखाऊंगा। एंड जो सिंपल टोटच होता है हमारा, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको सीख सकते हैं और कैसे किसी को सिखा सकते हैं। सो हेलो, दिस इज दीपांशु सिंह एंड यू आर वॉचिंग एपिसोड 10 ऑफ कबड्डी स्किल्स। तो हमारे पास अभी फॉर्मेशन जो है वो कॉर्नर का फॉर्मेशन है। यहाँ पर दो प्लेयर से हमारा, उस प्लेयर से अभी कम है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कॉर्नर पर, कवर पर और दूसरे कॉर्नर पर कैसे हमें टोटच करना है। अभी आपको दिखाऊंगा पहला टोटच हमारा, जो कि हमारा सिंपल टोटच, ठीक है। अब सिंपल टोटच दो तरीके से लगता है, एक हम मारेंगे कॉर्नर को, एक मारेंगे इनको। पहले दिखा दूंगा आपको कि कॉर्नर का टोटच कैसे से लगता है, ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मल है, ठीक है, फर्स्ट इस तरीके से हम सिंपल टोटच इस तरीके से, और कंप्लीट हमें स्किल हमें क्या करनी पड़ती है, टच मारा और लाइन पर आके हमें टर्न लेना है, इस तरीके से हम स्किल कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सिंपल टोटस होगा। एक बार और दिखा देता हूँ आपको सिंपल टोटस कैसे होता है। ये हमारी स्टैंस पोजीशन इस तरीके से हमारी, और इजी, ये हमारा सिंपल टोटस। अब सिंपल टोटस आपको दिखाता हूँ इनको कैसे मारते हैं, कि ये हमारे इन है, ठीक है, ये और ये, और वापस हमें स्किल यहीं पर कंप्लीट करनी होती है। अब ये हमारा था सिंपल टोटस। अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, वो होता है डबल टोटस, जिसके अंदर हम दोनों को टोटस मारते हैं एक ही बारी में। पहले मारूंगा इनको और फिर कॉर्नर को, किस तरीके से लगता है वो, मेरी पोजीशन ये और ये, इस तरीके से डबल टोटस होता है। ये दिखाता हूँ आपको करके थोड़ा स्पीड के अंदर, ये पोजीशन इस तरीके से डबल टोटस होता है, ठीक है। बाकी वैसे प्रैक्टिस करो क्या, वैसे स्पीड के अंदर इंक्रीज आएगा। अब थर्ड टोटस जो हमारे सामने वो है ड्रैग एंड टोटच। अब ड्रैग एंड टोटच को मैंने देखा कई वीडियोस के अंदर, उसको ड्रैगन टोटस बोल रखा है, ड्रैगन, वो जो ड्रैगन अपना एक जो जानवर होता है ना फिक्शनल, उसका वाला, तो वो ड्रैगन टोटस नहीं होता, ड्रैग होता है, ड्रैग एंड टोटच इस तरीके से होता है। दिखाता हूँ किस तरीके से होता है, सिंपल, जिसको आप देसी लैंग्वेज में स्लिप बोलते हो कि स्लिप मार दे, वो होता है हमारा ड्रैग एंड टोटच, जिसके अंदर हमारी पोजिशन होगी नॉर्मल। अब हमें क्या है, यहाँ पर हमारे पैर लेके और स्लिप मारनी होती है इस तरीके से। फिर स्पीड में दिखाता हूँ करके आपको, ये स्टेप बाय स्टेप था स्पीड में, ये इस तरीके से, और हमारी स्किल यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। ये होता हमारा ड्रैग एंड टोटच। चौथा टोटच हमारे सामने है, वो है वन स्टेप एंड टोटच, जिसके अंदर बहुत सिंपल है। ये हमारा फॉर्मेशन जो है वो कवर का फॉर्मेशन है, ये ज़्यादातर कवर पर या फिर हमारा दूसरा कॉर्नर है उस पर लगता है टोटच, और ये बहुत सिंपल टोटच होता है और बहुत प्यार से इसमें पॉइंट निकलते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशली आप बताना कि कौन ये टोटच मारता है सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा टोटच ये कौन मारता है, कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। तो ये सिंपल क्या, हमारी यहाँ पोजिशन है, ठीक है, हमारा कवर आता है, तो हम यहाँ पर ये तरीके से हम टोटच मारते हैं इस तरीके से, ठीक है। दिखाता हूँ फिर से, हमारी पोजीशन है, ठीक है, और ये हम जो टोटल मारते हैं, ये होता है हमारा वन स्टेप टोटल, और बाकी हमें कंप्लीट करनी है लाइन के पास आगे करनी होती है कंप्लीट हमेशा। और जो दूसरा तरीका है टोटल मारने का, वो मारते हैं इनको। इनको कैसे मारते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बट फिर ये जो टोटल होता है बहुत स्ट्रांगली लगता है। हमें इसके अंदर का थोड़ा सा कवर को दबाना होता है, कि हमने पोजीशन दिखाई कवर को और टोटल मारा इस अंदर वाले बंदे को, इनको, किस तरीके से, ये हमारी पोजीशन है, ये इस तरीके से, और वापस लाइन के पास आ गया। फिर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, थोड़ा सा फॉर्मेशन हल्का सा पीछे कर लो ताकि कैमरे के अंदर अच्छे से आ सके। ये हमारी पोजीशन है, यहाँ हमें, ठीक है, ये इस तरीके से और नॉर्मल। अभी दिखाने के लिए सिंपली दिखाया आपको, इसको आप और फास्ट कर सकते हैं, मेरे पैर भी पूरे नहीं खुल रहे, क्योंकि ये डिफेंस आपको सिखाने के लिए, ना कि कुछ मेरे को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए कि भाई मैं टोटच इस तरीके से मार सकता हूँ, सिंपली आपको समझाने के लिए। तो अब हो चुके हमारे 4 टोटच। अब बात करने वाले हम रनिंग टोटच के बारे में। रनिंग टोटच क्या होता है, सिंपली हमें क्या मारते हैं, कॉर्नर को मारते हैं, कॉर्नर के जो इनका बंदा होता है ना उसको, और कई बार पॉसिबिलिटी होती थी कॉर्नर को भी लग जाए, बट ज़्यादातर हमारा टारगेट जो होता है वो कॉर्नर के इनका बंदा होता है। अभी हमारे सामने जो फॉर्मेशन है वो हमारे सामने है कॉर्नर का फॉर्मेशन, जहाँ पर दो प्लेयर्स आप देखते हो, ये कॉर्नर का फॉर्मेशन है, ठीक है। प्लेयर्स कम है इसलिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इनको बार बार। यहाँ पर ये लॉबी नहीं है, सिंपली आप ये मान लो कि नॉर्मल कोर्ट ही है पूरा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है रनिंग टोटस के अंदर, रनिंग टोटस के अंदर पहले रनिंग लेनी होती है, जैसे हमने कवर को टोटस मारा था ना पहले कवर के इनको, वही सेम चीज़ करनी है, बट हमें थोड़ी रनिंग लेनी है इसके अंदर। अब ये कब लगता है, जब हमारा कॉर्नर हट जाता है पहले पीछे, बट जो इनका बंदा है वो थोड़ा लेट हट पाता है, तब ये टोटस मार सकते हैं हम। किस तरीके से लगता है, ये हमारी पोजीशन है, ठीक है, हमने रनिंग ली, अब ये जो बंदा है तो लेट हट रहा है, अब यहीं पर हमें इस तरीके टोटस मारना होता है। अब ये टोटस आप थोड़ा सा कम पैर खोल के मार सकते हो, थोड़ा ज़्यादा पैर खोल के मार सकते हो, किस तरीके से, जैसे मेरी पोजीशन है, अब मैं ले जा रहा हूँ मैं, और ये मैंने मार दिया, थोड़ा कम पैर खोलना पड़ा, ज़्यादा पैर खोलना पड़ेगा जब जब ज़्यादा पीछे दूर होते हैं बंदा हमारा, कि हमारी ये पोजीशन है, ठीक है, मैंने पोजीशन ली इस तरीके से मारा और अपना लाइन पाइक मैंने कंप्लीट कर दी यहाँ पर। इस तरीके से हम ये रनिंग टोटस मारते हैं। अब यहाँ पर हो चुके हमारे पास
पूरे 5 टोटच। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट छठे नंबर पर आ हमारा बैक टोटच, जो कि हम पीछे वाले पैर से मारते हैं। अब इसके अंदर ये भी बहुत इजी टोटच होता है, बहुत ज्यादा इजी। अभी हमारे सामने फॉर्मेशन जो है वो है कॉर्नर की फॉर्मेशन, ये लेफ्ट कॉर्नर हमारे सामने है दोनों, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर और इन। ये कैसे लगता है हमारा कि हमारी जो पोजीशन है ये, अब कई बार हम क्या करते हैं, हम जैसे आगे हो रहे होते हैं तो ये हमारे पीछे पीछे आ रहा होता है कॉर्नर, ठीक है, जैसे हम आगे हो के पीछे हो रहे हैं, ये पीछे आ रहा है, तो उसमें सिंपली पैर खोलना होता है कि जैसे हमारी पोजीशन है, ठीक है, हम आगे हुए, अभी कॉर्नर आया, इस तरीके से हमने पैर खोल दिया, ये होता है हमारा सिंपली बैक टो टच। ठीक है, थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना होता है ये, कि मैंने थोड़ी सी पॉइंट लाई जिस तरीके से हमने ये मार दिया, बाकी टोटच मार के हमें लाइन के पास आगे खत्म करनी होती है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि 6 के 6 टोटच जितने भी है ये लेफ्ट से कैसे होते हैं। लेफ्ट से दिखाता हूँ पहले को सिंपल टोटच कैसे था, हमारी ये पोजिशन है, ठीक है, हैं, अब ये इस तरीके से ये हो गया हमारा सिंपल टोटच, ठीक है। अब यही टोटच हमें इनको कैसे मारना होता है, लेफ्ट से ही, तो ये हमारी पोजिशन है और ये इस तरीके से हमें इनको मारना होता है। अब वही बात करें जो हमारा सेकंड टोटच था डबल टोटच, वो कैसे मारना होता है, जो कि इन और कॉर्नर दोनों को लगता है, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमने इस तरीके से हमें मारना होता है। ये हमारे हो गए लेफ्ट से 2 टोटच। थर्ड टोटच हमारा ड्रैगन बैक टोटच। ड्रैगन बैक टोटच कैसे होता है कि ये हमारी पोजिशन है, ठीक है, ये हुआ, ये इस तरीके से हमारा मारा लेफ्ट से और ये फिनिश। ये हमारे 3 टोटच। 4 टोटच जो होता है कवर की फॉर्मेशन में दिखाया था आपको मैंने, जो अब ये शिफ्ट हो जाए कवर पे, जैसे कवर पे आप हो सकते शिफ्ट। यहाँ पर हमें जो हमारा 1 स्टेप टोटस था जो, वो कैसे मारना होता है कि जो हमारी पोजीशन है, ठीक है, अब ये है कि हम ये तो ये ऐसे तो मार सकते हो, ये भी है आपके पास ऑप्शन, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये मार सकते हो इस तरीके से, ये 1 स्टेप टोटस हो गया। और 1 स्टेप टोटस का एक और वेरिएशन जो है, जो इनको मारना होता है, वो ये हमारी पोजीशन है, ठीक है, हमने ये स्टेप लिया एक इस तरीके से, ये हमारी पोजीशन है ये, और इस तरीके से हमने टोटस इनको मारा, ये होता है हमारा 1 स्टेप टोटस का एक और वेरिएशन, ठीक है। अब दिखा दो रनिंग टोटस कैसे करते हैं। ये जो हमारा डिफेंस है वो जाएगा कॉर्नर और शिफ्ट, हमारा मतलब कॉर्नर है, रनिंग लेनी है और टोटस लगेगा इनको यहाँ पर, ये हमारी पोजीशन है, ठीक है, मैं रनिंग लिया और ये इस तरीके से टोटस मारा। 6th हमारा बैक टोटस, जो कि हम पीछे वाले पैर से मारते हैं, हमारी ये पोजीशन है जिसे आप देख सकते हो, ठीक है, हमने डिफेंस आगे दिखाया, पीछे से आता है तो हम नॉर्मल इस तरीके से हम पैर खोल के टोटस मार सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है ये बैक टो टच। अब दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हो आप, या फिर किसको सिखा सकते हो टो टच, जो कि सिंपल टो टच है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आप कॉर्नर को और इनको कैसे मार सकते हो। सिंपल टो टच दिखाता हूँ वो स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हो आप। पहले जो हमारी पोजीशन होती है वो हमारी पोजीशन वही होती है कि हमारा जो पोजीशन इस तरह क्रॉस में होती है, ठीक है, टो टच मारने के लिए, या कोई भी रेड की स्टाइल कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, स्किल परफॉर्म कर रहे हो, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारी ये रहती है हमेशा। ऐसे नहीं कि आप ऐसे करके खड़े हो, ठीक है, यूं करके कुछ खड़े हो, तो नहीं, ये परफॉर्म नहीं कर सकते आप स्किल को। स्किल के लिए आपको प्रॉपर पोजीशन लेनी पड़ती है, ये हमारी पोजीशन है। अब हमारा जो पैर है, जो हमारा आगे वाला पैर है, वो हमारे पीछे वाले पैर के क्लोज आएगा इस तरीके से, ठीक है, और एक तरीके से जगह को रिप्लेस कर देगा कि जो हमारा आगे वाला पैर है वो पीछे वाले पैर के क्लोज में आया, इसको रिप्लेस कर दिया, हमारा जो वाला पैर है वो आगे चला गया इस तरीके से। अब ये जो कॉर्नर थोड़ा पास में है, ठीक है, अब वहीं दूर होगा तो हमें थोड़ा पैर और लंबा खोलना पड़ेगा। ये पोजीशन है हमारी, ये पैर यहाँ पर आया, ये पैर लंबा गया और इस तरीके से हमने पैर खोल लिया, ये होगा पूरा, ठीक है। अब ये चीज़ आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कई लोगों के इशू होता है घुटनों में इस तरीके से भी, तो आप स्टार्टिंग में नॉर्मल कर सकते हो कि आपने ये टोटस करा नॉर्मल, जिसमें घुटना मैंने कम बैंड करा, क्योंकि आप मैच के अंदर आप ना हमेशा कभी ट्राई करोगे ना मैच के अंदर आप करने की, तो आपका घुटना ना ऑटोमेटिकली ज़्यादा बैंड होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कवर करना पड़ता है एरिया। बट प्रैक्टिस पे आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो टोटस की, सीख रहे हो स्टार्टिंग में, तो मैं कहूँगा आपको कि आपसे अगर पूरा बैंड नहीं होता है तो आप हल्का बैंड कर रखिए। ये पोजिशन है, यहाँ लिया है ये इस तरीके से, ये हमारा सिंपल टोटस होगा। अभी क्यों फास्ट दिखा कैसे करते हैं, ये पोजिशन है इस तरीके से, 3 बार करके दिखाता आपको किस तरीके से, ये पोजिशन ये, ठीक है, ये पोजीशन ये, ठीक है, ये पोजीशन ये, सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या है, पोजीशन, सेकंड स्टेप ये क्लोज आ जाएगा इसके, थर्ड स्टेप में ये पैर खुल जाएगा, फोर्थ में लाइन के पास जाना है हमें टो टच मार के, खत्म। अब बताता हूँ आपको कि टो टच कैसे मारते हैं सिंपली, वो इनको कैसे मारते हैं। तो इनको टो टच था इस तरीके से था, सिंपल वही पोजीशन है हमारी सेम, ये रिप्लेस करते हैं हम जैसे यहाँ मारते थे, अब क्या होगा ये रिप्लेस करके यहाँ मारेंगे आगे की तरफ। अब इस टोटच के अंदर क्या है, अगर आप कॉर्नर पे हो ना तो भाई मुश्किल लगेगा, क्योंकि बहुत दूर है, और ये अगर क्लोज होते तो लग सकता था, ठीक है। अगर हमें टोटच मारना है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमें रेट जो डालनी पड़ेगी वो बीच में डालनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ला के अपना पैर
और ये टोटच इस तरीके से मार सकता हूँ। कैसे होगा, सिंपल वही है, फर्स्ट स्टेप पोजिशन, सेकेंड में ये रिप्लेस करेगा, थर्ड स्टेप में आगे की तरफ जाएगा। इसके अंदर टो टच का क्या टो ही लगता है आगे, आगे वाला पार्ट ज़्यादातर इस तरीके से पार्ट लगेगा आगे, ठीक है। जैसे हम पीछे हम ये मारते थे तो इसमें आगे इससे लगेगा। स्पीड में दिखा दो कैसे करते हैं। ये हमारी पोजिशन है, ठीक है, ये सर्कल घुमाते हैं एक तरीके से इसके अंदर, ये यूं जाता है पैर इस तरीके से, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड ये, थर्ड में पैर ये। स्पीड में दिखाता हूँ, दो बार करके दिखाता हूँ स्पीड में कैसे करते हैं ये टो टच पोजिशन, ठीक है, इस तरीके से, बाद में खत्म। एक बार और दिखाता हूँ आपको पोजिशन, इस तरीके से मारा और खत्म, ठीक है। इसमें आप वेरिएशन भी कुछ कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो कि आपने फुटवर्क चला रहे हो, अब आप ये आए पीछे, ठीक है, जैसे आप ही हो, आप ये आ रहे हो इसमें, तो आप इस तरीके से मार सकते हो टो टच, कैसे पीछे आ रहे हो और एकदम से टो टच मार दिया। इसके अंदर एक ऐसे इनको भी मार सकते हो कि आप इस तरीके से पीछे आ रहे हो और ये मार दिया टो टच, तो ये भी आप इस तरीके से टो टच ये परफॉर्म कर सकते हो। तो अब दिखाता हूँ लेफ्ट से कैसे करना होता है। लेफ्ट से वही सिंपल है, फॉर्मेशन हमारी जो है ये कॉर्नर की है और ये पोजिशन जो है हमारी ये अब लेफ्ट रेडर की है। हमें क्या करना है, सिंपल वही चीज़ है, फर्स्ट है हमारी पोजिशन इस तरीके से क्रॉस में, ठीक है। अब जो आगे वाला लेग है हमारा वो जाएगा इस पीछे वाले लेग के पास में, पीछे वाला लेग हमारा खुल जाएगा और ये टोटल इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टोटल इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बस दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड में ये क्लोज, थर्ड में ये एक्सटेंड और ये हमारी स्किल कंप्लीट। इनको कैसे मारना है, ये टोटल सेम वही चीज़ है। इस टाइम पर पोजिशन जो हमारी होगी वो बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होगी, पोजिशन होगी हमारी इनके बीच में या फिर सेकंड के पास में। मेनली बीच से ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है क्योंकि डाउट में रहता है, अगर सेकंड पे आ जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे अटैक मारने वाला है। बीच में डाउट में रहते हैं कि ये इसके अटैक मारेगा, इसके अटैक मारेगा या बोनस लेगा, तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, बीच में पोजिशन हमारी वही, हमारी फॉर्मेशन कॉर्नर की है, हमारे लेग्स वही हैं क्रॉस के अंदर, ये हमारा आगे वाला लेग पीछे लेग के पास आएगा और जो पीछे वाला लेग है ये हमारा इस तरीके से, ये नहीं डायरेक्ट इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा ये एक्सटेंड होगा और ये इस तरीके टोटस लगेगा। दिखा दूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर हमारी लेग्स क्रॉस में क्लोज आएगा, ये टोटस मारा और कंप्लीट। इस तरीके से आप इस स्किल को लेफ्ट से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। टोटस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है एक रेडर की स्किल के लिए, एंड इससे आप दूर से ही पॉइंट्स निकाल सकते हो, दूर से आप टोटस मार सकते हो, डिस्टेंस कवर कर सकते हो इजीली साथ ही में। बट इसके अंदर कुछ सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए, जैसे आपकी लोअर बॉडी जो है, लेग्स वगैरह वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आपके अंदर स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इसको परफॉर्म कर पाओगे। आपकी बॉडी स्टिफ है ज़्यादा और आपकी स्पीड इतनी अच्छी खासी नहीं है तो आपके यहाँ पर एंकल होल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस एंकल इस टोटस के अंदर। तो अब ये सारी थी इसकी कुछ स्पेशल चीज़ें और अब बात करेंगे कुछ इसकी एक्सरसाइज की, जो कि हम करने वाले हैं इस बॉल से या फिर आपके पास जो कोई ईट है किस चीज़ को लेकर, बाकी बॉल से कोई दिखा कुछ एक्सरसाइज के साथ इस साथ में कर सकते हो। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं टोटस के लिए। तो देखिए टोटस की एक्सरसाइज आपने काफ़ी सारी देखी होगी, सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज जो टोटस की है वो यही है कि आप ये पोजिशन में हो, आपने ये टोटस मारा इस तरीके से, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बहुत कॉमन है, सभी को पता है इस एक्सरसाइज के बारे में। आपको कुछ एक नई चीज़ बताता हूँ, टोटस कैसे कर सकते हो आप। जैसे हमारे सामने एक प्लेयर है, अब ये टोटस करेगा कैसे, मैं बॉल फेंकूंगा और बॉल पर टोटस मारना है, सिंपल। किस तरीके से, सामने प्लेयर है, मैं यहाँ पर इस तरीके से बॉल एक तरीके से नॉर्मली नीचे की तरफ से करूँगा इस तरीके से, ये प्लेयर को टोटस मारना है इस तरीके से। अब ये तो मैं सामने से फेंकी तो ईजी पड़ गया, अब इस बॉल को मैं साइड से फेंक सकता हूँ पीछे से, ताकि टोटस टाइम पर, इससे टाइमिंग भी अच्छी होगी, प्लेयर की स्पीड पर फर्क आएगा और थोड़ा सा फोकस भी इंक्रीज होगा। मैं पीछे हूँ, अब पता नहीं कि बॉल कब टोटस मारनी है, तो हम ये यहाँ बॉल फेंकी और प्लेयर को इस तरीके से मारनी है, ये आप चीज़ और कर सकते हो। साथ में आप इसके अंदर, अभी तो मैंने स्लो फेंकी, आप तेज़ फेंक सकते हो जिससे आप स्पीड वगैरह को और प्लेयर की इंक्रीज कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइज थी, बाकी आप लेग्स की एक्सरसाइज कर सकते हो कुछ, जो कि वीडियो मिल जाएगी हमें ऊपर। ये वीडियो जो है आपकी होल बॉडी के लिए है, आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, लेग्स की बात करें चाहे अपर बॉडी की बात करें, सबके लिए। तो ये एक्सरसाइज आप ऊपर से देख सकते हो, एंड ये दोनों एक्सरसाइज आप विद इक्विपमेंट्स, आपके पास अगर डंबल रॉड वगैरह है तो आप उससे कर सकते हो, साथ में अगर आपके कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप सिंपली वो एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इतना था इस वीडियो के अंदर, आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।